तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं थंबनेल पे, ये सारे अपने पास क्रैकर्स हैं। तो इन सब की मैं लगातार से आपको एक बारे में सबको बताऊंगा और ये किस टाइप का वर्क करता है ये सब बताऊंगा, और मैं आपको इन सब की टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने पास है ये, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस मिनी बुलेट बम से। ये बुलेट बम मुझको 30 रुपये का पैकेट मिला है, इस पर 10 पीस होते हैं। इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर ये सेकेंड बुलेट बम जो कि इससे थोड़ा बड़ा है, ये मुझे 70 रुपये का पैकेट पड़ा है, इसको भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद हैं अपने ये बिजली क्रैकर्स, 8 रुपये पीस, इनकी टेस्टिंग करनी है। इसके बाद अपने पास है ये बेताब सुतली बम, इसकी टेस्टिंग करनी है, बहुत ही धमाकेदार आवाज़ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ये सुतली बम जो कि बहुत ही बड़ा और अच्छी आवाज़ करेगा, किंग टोन श्री राजेश्वरी कंपनी का, इसको टेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद अपने पास हैं कुछ छोटी चक्री, उससे बड़ी चक्री, और एक ये कॉक ब्रांड की डबल साइड वर्क करने वाली चक्री, इसकी भी आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद अपने पास बच्चों का फेवरेट आइटम पॉप पॉप, ये छोटा है ये बड़ा है, देखिए इस टाइप का छोटा पॉप पॉप और ये बड़ा पॉप पॉप। उसके बाद ये सबसे फेवरेट बच्चों की माचिस, इसको दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करती है। फिर इसके बाद ये चटर पटर, और लास्ट आइटम है अपने पास ये धागा। तो फटाफट से एक एक की टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना ये आइटम आएगा मैजिक पुलिंग थ्रेड, तो इसको दिखाते हैं आपको किस तरीके से वर्क करता है। फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं, फटाफट इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें धागे निकलेंगे, और इस धागे को इस तरीके से आप पकड़िए और घसीट देना है इसको। देखिए दो हिस्सों में फट गया, देखिए आया मज़ा। फिर से फोड़ते हैं और मुझको भी मज़ा आया, तो चलो फटाफट से एक और लेते हैं और इसको घसीट देते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री आइटम है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपको दिखाते हैं इसी तरीके का नेक्स्ट आइटम। तो अगला आइटम है अपने पास सबसे प्यारा बच्चों का, ये पॉप पॉप। ये पॉप पॉप बहुत ही शानदार और अच्छा आइटम है, जो कि बहुत ही चीप एंड बेस्ट आइटम है। देखिए इसमें इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्रैकर्स एक पैकेट में निकलेंगे, इसमें एक डिब्बी में 50 पीस होते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, देखिए इस टाइप का होता है। इसको क्या करना होता है, इसको सिर्फ ज़मीन पे थ्रो करना होता है। बहुत ही शानदार और मस्त आइटम है, एक साथ फोड़ते हैं इसको, देखिए काफ़ी मज़ेदार आइटम है। एक और फोड़ते हैं इसको, तो आपको वीडियो कैसा लगा, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और कर दीजिएगा। निकालते हैं इसी टाइप का आपको नेक्स्ट आइटम, इसी का एक छोटा बाहुबली पॉप पॉप। ये इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखा है दोस्तों, इसको उन्होंने भी दिखाते हैं। देखिए इसमें इस टाइप के कुछ कलर्ड पैकेट में रखे हुए हैं क्रैकर्स, इसको ओपन करते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का होता है, पर इसमें थोड़ी आवाज़ उससे ज़्यादा होती है। तो इसको फटाफट से आपको टेस्टिंग करते हैं, देखिए किस टाइप से वर्क करता है। इसको भी सिर्फ पटकना है और आपको ज़मीन में पटक देना है। तो फ्रेंड्स, अब अपने पास है नेक्स्ट आइटम जो कि बहुत ही यूनिक आइटम है, जो कि है ये माचिस। तो इसका भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा बच्चे करते हैं, पसंद करते हैं। इस पर क्या होता है, इस पर रफ करने के लिए, स्क्रैच के लिए माचिस दी हुई होती है, और इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये छोटी सी माचिस की डिब्बी है, इसको पानी में भी आप आग लगा सकते हैं, पानी में भी छुड़ा सकते हैं। इसको क्या करना होता है, इस तरीके से स्क्रैच करना है, और इसको इसे रख देना है। देखिए देखिए बहुत ही प्यारी सी और तेज़ आवाज़ है इसकी, जो कि बहुत ही अच्छा आइटम है। एक और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता है। क्या करना होता है, सबसे पहले इसको माचिस पर रगड़ना होता है इस तरीके से, आप इसको इसे फेंक दीजिए। इसके बाद ही कुछ तेज़ी से
फटेगा। ये देखिए, वाह, बहुत ही तेज़ और धमाकेदार आवाज़ है इसकी। आपको प्रोडक्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है अपना नेक्स्ट आइटम, सब ओपन कर लेते हैं। ये अशोका का ग्राउंड चक्कर अशोका, देखिए इसकी फटाफट से टेस्टिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद लेते हैं ये चिदंबरम का अशोक ग्राउंड शक्कर डीलक्स, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये, और इसके बाद लेंगे ये मुर्गा कॉक ब्रांड का है, ये भी शक्कर गिन्नी है। अब इन दो को आपको जला के दिखाते हैं इनकी कितनी कैपेसिटी और कितनी देर तक ये काम करेंगी। सबसे पहले जलाते हैं ये बड़ा वाला ग्राउंड शक्कर, देखिए काफ़ी शानदार थी, इसको देखने में काफ़ी मज़ा आया। अब जलाते हैं सबसे अच्छी अपनी ये कॉक ब्रांड की, इसको दिखाते हैं आपको किस तरीके से कितना देर तक नाचेगी। दरअसल हवा थोड़ी तेज़ चल रही है इस चक्कर में, ये ये मिनी बुलेट बम, ये बुलेट बम का यूज़ करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता है, अच्छा है या ख़राब है। तो फटाफट से इसको जलाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपना ये बुलेट बम लेते हैं, इसको कुछ इस तरीके से रख दिया। अब इस पर आग लगाते हैं, तो फ्रेंड इस ब्लड बम में तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही तेज़ी के साथ फटा। और आपको प्लीज़ बताइए कमेंट में इसकी आवाज़ कैसी लगी। बहुत ही सस्ता और अच्छा आइटम है फ्रेंड्स, देखिए मात्र 30 रुपये का ये आइटम है और इतना इंटरेस्टिंग आइटम है कुछ कहने को नहीं, मज़ा आ गया दोस्तों। चलो अपने उठाते हैं अपना नेक्स्ट आइटम। तो नेक्स्ट आइटम है अपना ये मैजिक पॉप, तो इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड इसको जलाते हैं फटाफट से, देखिए इस टाइप से इसको रखा और इस पर आग लगा दी। देखिए दोस्तों आपको प्रोडक्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस बहुत मज़ा आया है इसमें। तो चलो आपको उठाते हैं नेक्स्ट आइटम। तो फ्रेंड इसके बाद अपना नेक्स्ट आइटम है ये बिजली का रकर, तो फटाफट से इसको जलाते हैं। थोड़ी सी इसकी बाती छील लेते हैं, फिर उसके बाद इसको जलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको इस जगह पर रख दिया और इस पर आग लगा देते हैं। देखिए काफ़ी मज़ा आया इस पर भी, छोटा सा पैकेट लेकिन बहुत कमाल का पैकेट है। तो उठाते हैं अपना नेक्स्ट आइटम जो कि है ये उससे बड़ा बुलेट बम,
तो इसको भी आपको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता है, उसमें कितनी आवाज़ है। तो फटाफट से इसमें भी आग लगाते हैं, इसको रख देते हैं और इस पर लगाते हैं आग। वाओ दोस्तों कितनी धमाकेदार आवाज़ थी। इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आइटम। अगर आपको इसमें मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में बताइएगा कैसा लगा आपको। देखिए ज़मीन पे किस तरीके से बिल्कुल खोख फट गई है बिल्कुल। तो निकालते हैं आपको नेक्स्ट आइटम। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट आइटम है ये बेताब का सुतली बम। तो इसको फटाफट से टेस्टिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके इसकी आवाज़ है। चलिए इसको ले लेते हैं। वाह इसकी काफ़ी तेज़ और साम धमाकेदार आवाज़ थी। तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आइटम जो कि अपने पास सबसे लास्ट आइटम है। फिर सबसे लास्ट और धमाकेदार आइटम है ये श्री राजेश्वरी का किंग टोन ग्रीन बम। तो ये है अपने पास कुछ इस टाइप का दिखता है सरफेस का सुतली बम। और उसको यूज़ करके आपको दिखाते हैं किस तरीके की इसकी आवाज़ है। बहुत ही हाई क्वालिटी की इसकी आवाज़ है। तो फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते। तो भाई साहब अपना ये लास्ट और सबसे यूनिक प्रोडक्ट है ये है अपना सुतली बम जो कि काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है। ये देखिए काफ़ी धमाकेदार ये इसकी आवाज़ होने वाली है। तो इसकी बात ही छीन लेते हैं, इसमें आग लगा देते हैं आग। भाई साहब बहुत तेज धमाकेदार आवाज़ होने वाली है इस पर। एक दो तीन देखिए किस तरीके से आवाज़ गूंजी है, आपको बेहद ही मज़ा आ गया होगा। तो देखिए बम बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो चुका है और ये कुछ नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स किस तरीके से सुतली बम बिल्कुल चारों ओर से धुआं धुआं निकल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकेगी। तो मिलते हैं आपसे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।